लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी फिल्म लियो ने पांचवें दिन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। Satmilk.com के मुताबिक लियो ने भारत में 200 रुपए करोड़ से ज्यादा कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। विजय थलापति के लीड रोल वाली यह फिल्म गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मास्टर के बाद लोकेश और विजय फिल्म लियो में साथ काम कर रहे हैं। Satmilk.com की रिपोर्ट के अनुसार लियो ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार को 64.8 करोड़ रुपए, शुक्रवार को 35.25 करोड़ रुपए, शनिवार को 39.8 करोड़ रुपए, रविवार को 41.55 करोड़ रुपए और सोमवार को 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसका कुल जोड़ 206.40 करोड़ रुपए है, जो कि एक अच्छा नंबर बताया जा रहा है। फिल्म में विजय के अलावा संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन और अर्जुन सरजा भी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं फिल्म लियो को लेकर सुपरस्टार रजनीकांत का एक बयान भी सामने आया था। रजनीकांत ने लियो के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। आपको बता दें कि दर्शकों के बीच विजय थलापति की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए लियो की रिलीज से पहले सेवन स्क्रीन स्टूडियोज प्रोडक्शन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि तमिलनाडु के सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज वाले दिन सुबह 4 बजे के शो रखने की अनुमति दी जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था और कोर्ट ने सुबह 9 बजे से ही शो रखने की अनुमति दी थी। फिल्म लियो में आपको जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी एक साधारण से युवक विजय और गैंगस्टर एंटनी दास बने संजय दत्त के बीच के संघर्ष को दिखाती है।